गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपसे जो बात करूंगा वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करूंगा और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मैं सेकंड ग्रुप के बारे में बात करने जा रहा हूं। सेकंड ग्रुप से रिलेटेड मैंने आपको थोड़ी बहुत चीज बताई कि सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, और क्या उनका अबंडेंस होगा, क्या उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, वो सारी चीज मैंने आपसे डिस्कस की। आई होप वो सारी चीजें आपको समझ आई होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बात कर रहे हैं, अब अपन बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी को। तो जो एस ब्लॉक हैं और उनमें जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा साइज के बारे में। तो देखिए साइज, देखो साइज क्या होगा, अगर मैं साइज की बात करता हूं तो अगर आप देखो इसमें बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम से नीचे कौन है, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम और फिर बेरियम और फिर रेडियम, ये आ रहे हैं इसमें एलिमेंट्स। अगर इन एलिमेंट्स में आप टॉप डाउन चलोगे तो टॉप डाउन चलने पर साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। और साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें सेल्स की बात करेंगे, बेरिलियम तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में देखते हैं आप 1s2 2s2 दो सेल आ रही है, 2s2 मतलब सेकंड सेल की है। मैग्नीशियम का होता है 12, तो 12 होता है तो 1s2 2s2 2b6 3s2 थर्ड सेल भी आ रही है, एक सेल बढ़ गई, ये फोर्थ सेल आ गई, इसमें फिफ्थ आ जाएगी, इसमें सिक्स्थ, ऐसे सेल बढ़ती जा रही है। सेल बढ़ने से साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर इंटरेस्टिंग चीज ये है, आपके सामने जो है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट भी रखे जाए और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स भी रखे जाए तो उसमें साइज का ऑर्डर क्या होगा, देखो इधर ले रहे हैं Li और इधर ले रहे हैं Be, ठीक है, और इधर इसके नीचे Na और फिर Mg, ठीक है, और फिर इसके नीचे कौन है, K और Rb और ये Cs, ठीक है, और इधर Ca और Sr और Ba, ठीक है। मैं सबको एक साथ रख रहा हूं तुम्हारे सामने, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है और ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनका साइज का ऑर्डर अपन को अरेंज करना है। तो देखें सबसे छोटा साइज इसका होता है, फिर उससे बड़ा किसका होता है, लिथियम का होता है, और लिथियम से जो बड़ा साइज होगा, थोड़ा सा बड़ा साइज, ठीक है, वो होगा मैग्नीशियम का। और मैग्नीशियम और लिथियम का साइज ऑलमोस्ट, ये भी बोलते हैं, सिमिलर भी होता है, सिमिलर होने से इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है। फिर मैग्नीशियम के बाद जो साइज आएगा वो किसका आएगा, सोडियम का, सोडियम का इससे बड़ा होगा। फिर सोडियम के बाद जो आता है वो आता है किसका, कैल्शियम का, कैल्शियम से बड़ा आएगा स्ट्रॉन्शियम का, स्ट्रॉन्शियम से बड़ा आएगा बेरियम का, और बेरियम से जो बड़ा आता है ना वो आता है पोटेशियम का, और पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम का, रुबिडियम से बड़ा सीजियम का, ठीक है। ये साइज ऑर्डर है और ये दोनों का मिला के है, किस किस का बोलो, ये है फर्स्ट ग्रुप के और ये है सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, सबका मिला करके साइज का ऑर्डर है। ये याद रख लोगे, ये मान लो कि सब कुछ याद हो गया आपको एस ब्लॉक से रिलेटेड, साइज का कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इससे रिलेटेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये साइज के बारे में बात की, आकार के बारे में बात की, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो सुनना, आयनाइजेशन जो एंथैल्पी है वो अपना सेकंड पॉइंट है। तो देखें आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आप समझते होंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। आयनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आपको हटाना है, एक इलेक्ट्रॉन हटाने की कितनी एनर्जी दोगे आप, उस एनर्जी को बोलोगे क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, बोलो आईई बोलते हैं, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूं मैं, तो आईई जो होता है बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम से नीचे मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम और फिर कौन है अपना बेरियम। तो साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, और साइज इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बोलेंगे आप वो क्या होगा, वो इज इजी, वो इजी होता जाएगा, और वो अगर इजी होता जाएगा, ठीक है, साइज इंक्रीज होने से, तो आप बोलोगे आईई की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब इनमें टॉप टू डाउन चलोगे तो आईई क्या होगा, कम होता जाएगा। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, अगर मैं यहां पर फर्स्ट आई की बात करूं और सेकंड आई की बात करूं, जैसे आपने मान लो मैग्नीशियम की बात की, ये मैग्नीशियम है, इसमें से जरा एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाओ, तो ये निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से। देखो आई में क्या देखते हैं अपन, ये जो एटम है जिससे आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, अलग है बिल्कुल, ठीक है, गैसीय एटम होना चाहिए,
वन मोल होना चाहिए। तो आइसोलेटेड गैसेस वन मोल एटम है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसपे जो एनर्जी काम आएगी उसको बोलेंगे फर्स्ट आईई। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट आईई, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करूंगा मैं आपसे, अब अगर मान लो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देते हो आप, तो इसके बाद बन जाएगा Mg+2। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये और गया। ठीक है, अब इसमें जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए Ie2। ठीक है, Ie2 चाहिए। यहां पर सोचने वाली बात है, एक तो मैं इसकी बात करूं, तो यहां पर अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखता हूं मैग्नीशियम का, तो यह है 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s2। ठीक है, अब देखें यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये आ जाएगा 1s2, ठीक है, 2s2 और 2p6 और 3s1 में चेंज हो जाएगा, और 3s1 से फिर ये जो जाएगा ये चला जाएगा 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1, तो ये 1s2 और 2s2 और 2p6 में चला जाएगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 3s1 से निकल गया, ये इसमें चेंज हो गया। तो यहां पर देखें कि पहले ये जो था 3s2 था उससे 3s1 में चेंज हुआ, 3s1 से फिर ये 2p6 में चला गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, एक इलेक्ट्रॉन, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें Ie1 जो होती है, देखो हमेशा Ie1 और Ie2 में बात करते हो तो Ie2 बड़ी होती है। ठीक है, ये तो बड़ी होती है, लेकिन यहां पर अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालोगे और फिर आप इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें Mg+3 में चेंज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है बोलो, कंप्लीट है। तो यहां पर बोलेंगे इससे बहुत ज्यादा बड़ी होगी, Ie3 बड़ी होगी। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात करता हूं मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद, थर्ड जो पॉइंट में बात कर रहा हूं वो है फ्लेम टेस्ट। ठीक है, फ्लेम टेस्ट के बारे में बात करेंगे, ज्वाला परीक्षण के बारे में बात करेंगे। तो फ्लेम टेस्ट क्या होता है, पहले तो अपन समझे कि फ्लेम टेस्ट का मतलब क्या है। फ्लेम टेस्ट का जो मतलब है वो ये है, देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, फ्लेम टेस्ट का मतलब क्या है। फ्लेम टेस्ट का मतलब है कि आपने सपोज कैल्शियम को उठाया, ठीक है, और प्लेटिनम वायर पे कैल्शियम को लिया, ये प्लेटिनम वायर, इसके अंदर यहां पर कैल्शियम लिया थोड़ा सा और लेकर के फिर उसको रख दिया बर्नर पे। ठीक है, ये बर्नर है, इस पर रख दिया और बर्नर पे जैसे आप इसको रखोगे तो रखने के बाद इसका क्या आएगा, कुछ कलर आएगा। ठीक है, इसका क्या आएगा, ये कैल्शियम का कलर आता है और कलर जो आता है इसे एक्चुअली में जो इससे फ्लेम निकलेगी उसका कलर आएगा और कलर कैसा आता है, ब्रिक रेड कलर। ठीक है, इसका मतलब कैल्शियम जो होता है उस कैल्शियम की जो फ्लेम का जो कलर आता है वो ब्रिक रेड कलर आता है। अगर मैं बात करूं आपसे, आपसे मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं बेरिलियम की बात करूं और मैग्नीशियम की बात करूं तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो फ्लेम टेस्ट ही नहीं देगी। मतलब यहां पे बेरिलियम को रखोगे कोई कलर नहीं आएगा, यहां पे मैग्नीशियम को रखोगे कोई कलर नहीं आएगा, मतलब दे डू नॉट गिव कलर, ये कलर नहीं देंगे। ठीक है, ये कलर नहीं देते हैं जी। ठीक है, अब कलर क्यों नहीं देते, क्वेश्चन ये उठता है क्यों ये कलर नहीं देते, कलर के पीछे एक रीजन है क्या, फ्लेम का जो कलर आएगा यहां से फ्लेम निकलेगी उसका कलर जो आने का रीजन है, उसका रीजन है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रीजन है। तो यहां पे बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज छोटा होता है तो लिखेंगे यहां पर ड्यू टू स्मॉल साइज, इसका साइज छोटा होगा और स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन इनमें एक्साइट नहीं होंगे। सो इलेक्ट्रॉन डू नॉट एक्साइट, इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे और जब तक इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, कलर भी नहीं आएगा। ठीक है, सो दे डू नॉट गिव कलर, इसलिए ये कलर नहीं देंगे। कलर आने के पीछे जो रीजन है वो है इलेक्ट्रॉन, दो सो दे डू नॉट गिव कलर, तो अपन इसलिए अपन बोलेंगे कि ये कलर नहीं देंगे। बात समझ में आनी होगी आपको, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखिए, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ना ऐसे लोअर सेल से क्या होते हैं, आपको पता हो थोड़ा, मैं थ्योरी बता दूं आपको कलर का, कि कलर आने के पीछे क्या लॉजिक है। मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको एनर्जी मिली, ये हायर सेल में जंप करेगा, जंप करने पर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा,
एनर्जी आप अब्सॉर्ब कर लिए, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जब एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी तो ये क्या होगा, अनस्टेबिलिटी फील करेगा। किसी की एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये वापस लोअर सेल में आएगा, और जब ये वापस लोअर सेल में आएगा तो एनर्जी जो होता है उसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा डिस्क्रीट वे में, ठीक है। और एनर्जी जो जब ये बाहर निकलती है तो ये एनर्जी की वजह से क्या आता है, ये एनर्जी का जो रिलीज होती है इसकी वजह से, जब एनर्जी रिलीज होगी बाहर निकलेगी तो वेव्स की फॉर्म में निकलेगी, वेवलेंथ होगी, फिर उसकी वेवलेंथ सर्टेन वेवलेंथ का एक सर्टेन कलर होता है, तो उसकी वजह से यहां पर क्या आ जाएगा, एक कलर आएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर कैल्शियम के केस में जो कलर आता है वो कैसा कलर आता है, ब्रिक रेड कलर आता है, ठीक है, इसका ब्रिक रेड कलर आएगा। फिर कैल्शियम के बाद स्ट्रॉन्शियम की बात करें तो इसका क्रिम्सन रेड कलर आता है, क्रिम्सन रेड कलर। ये आपको ध्यान रखना है कि किसका कौन सा कलर आता है। और जो होता है इसके अलावा बेरियम, इसका कैसा आता है, इसका आता है एप्पल ग्रीन कलर आता है, इसका एप्पल ग्रीन कलर आएगा। तो ये कलर हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो ये अपने फ्लेम टेस्ट देखा, ठीक है, ये सारी चीज मैंने बताई आपको फ्लेम टेस्ट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, वो बात करूंगा एसआरपी वैल्यू के बारे में। तो ध्यान से देखना एसआरपी वैल्यू के बारे में क्या बोलेंगे। एक छोटा सा हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। तो देखें एक बार हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, पहले इसको देख लें थोड़ा सा। तो एक बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट है अपना हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो देखें हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच और एच वाई डी से, ठीक है। और ये नेगेटिव लगा दिया तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी है, और ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है ये डिपेंड करती है किस पे, साइज पे, ठीक है, साइज पे डिपेंड करती है और चार्ज पे डिपेंड करती है, ये चार्ज पे भी डिपेंड करती है। अब देखें जितना बड़ा साइज होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी कम होगी, ये अगर बढ़ती है साइज तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मेरे को एक बात बताओ, ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, ये स्ट्रॉन्शियम है और ये बेरियम है, बताओ साइज क्या होता जाएगा। साइज यहां से यहां पर चलोगे आप तो इंक्रीज होता जाएगा, और साइज इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो गई तो मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि इनकी हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं ना ये बहुत ज्यादा अपने साथ वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं, तो ये एक्चुअली में बेरिलियम का एक क्लोराइड ले लेते हैं अपन BClII, मैग्नीशियम का भी क्लोराइड ले लेते हैं MgCl2। ये क्या करते हैं अपने साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, क्योंकि हाई एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी जिसकी ज्यादा होगी तो वो अपने साथ वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा जोड़ देगा, और ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को वो एब्जॉर्ब करेगा तो बोलेंगे कि वो एक हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है, ठीक है। तो ये एक तो बात ये है कि इनकी हाई क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी है, बोलो एक तो चीज ये बोलेंगे। दूसरी खास बात, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वो होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो इनकी हाइग्रोस्कोपिक क्या होती है, नेचर होती है, ठीक है, ये अगर बात करेंगे। तो आप हाइड्रेशन एंथैल्पी में इतनी सी बात करोगे कि टॉप डाउन चलेंगे तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होने से हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी, लीस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलेंगे इसकी, लीस्ट और क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये अपन बोलेंगे। आप देखें आगे नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में बताऊ आपको, देखो और जो चीज है हाइड्रेशन एंथैल्पी से रिलेटेड आपको बताता हूं। देखो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आपको एक बात बताता हूं कि अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी किसी की ज्यादा होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, देखो दो एंथैल्पी चलती है, एक तो लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, एक लैटिस एंथैल्पी, और एक जो होती है वो होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी को डेल्टा एच और ये लैटिस से अपन डिनोट कर देते हैं, ठीक है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है तो एक हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर देखते हैं क्या होता है, अगर इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा है, इन दोनों में ज्यादा वैल्यू जो है, सपोज हाइड्रेशन एंथैल्पी की बड़ी वैल्यू है,
तो उस केस में क्या होगा, कोई भी चीज वाटर में क्या होगी, सॉल्युबल होगी, सॉल्युबल हो जाएगी, ठीक है, किसमें, वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये कंडीशन है ये सॉल्युबिलिटी के लिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। अगर मान लो ये वाला केस आता है, ये वाला केस, ठीक है, कि मान लो लैटिस एंथैल्पी, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, डेल्टा एच, और ये नेगेटिव और ये लैटिस, ठीक है, ये वैल्यू बड़ी हो गई, ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो रहेगी वो छोटी हो गई, ठीक है, तो उस केस में वो इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। एक बात बता दूं मैं आपको, अगर किसी की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है, ठीक है, किसी की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी अगर उसकी इंक्रीज होगी तो उसके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, उसके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे। अगर मान लो मैं आपसे पूछू कि ये BF2 है, ठीक है, और MgF2 है, ठीक है, ये MgF2 है और CF2 है, ठीक है, और SrF2 है और CaF2 है, ठीक है, तो अब इनकी स्टेबिलिटी आपको समझानी है, इनकी क्या समझानी है, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी कैसे समझाएंगे, इनकी स्टेबिलिटी के लिए आपको देखनी पड़ेगी लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी किसकी बड़ी है, किसकी छोटी है, इसकी लैटिस एंथैल्पी जो है वो क्या है, हाई है, हाई लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, हाई लैटिस एंथैल्पी है और हाई इसकी लैटिस एंथैल्पी है, तो क्या बोलेंगे, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है इसकी BF2 की। कैसे, यहां पर बेरिलियम है, क्या है यहां पर, बेरिलियम, बेरिलियम का साइज छोटा होगा, साइज छोटे होने से क्या होगा, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, और लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होने से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, यह पर बोलेंगे। इसमें आप बोलोगे यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर बड़ा साइज है और लार्ज साइज होता है तो लैटिस एंथैल्पी कम होती है। जैसे हाइड्रेशन एंथैल्पी में अपन ये देखते हैं, दोनों के लिए ये बात बोल सकते हैं, देखो लैटिस एंथैल्पी के लिए भी ये बात बोलोगे और हाइड्रेशन एंथैल्पी के लिए भी ये बात बोलोगे, क्या, कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के, ठीक है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये अपन बोलेंगे, तो यहां से अपन ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बताई आपको, स्टेबिलिटी आप बात कर सकते हो, देखो यहां पर एक बार चेक करो लैटिस एंथैल्पी, इसकी लैटिस एंथैल्पी जो है बेरिलियम की वो क्या है, वो ज्यादा होगी। लैटिस एंथैल्पी क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका साइज क्या है, स्मॉल है, स्मॉल साइज होने की वजह से लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो इसकी ज्यादा होगी, फिर उसकी और कम होगी, इसकी और कम, ऐसे अपन बोलेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बोल सकते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो ये सारी चीज बात की मैंने आपसे इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कुछ इंटरेस्टिंग चीज के साथ फिर से आपसे कुछ बात होगी। और वही बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो क्यों ना आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।